वीडियो में आते हैं। 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम शुगर डायरीज है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करें ताकि आप मेरे नए वीडियोस के लिए सूचनाएं प्राप्त कर सकें, और कृपया उस घंटी आइकन पर भी क्लिक करें। ठीक है, आज की फिल्म के बारे में बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक खूबसूरत महिला दिखाई देती है। वह अपनी सेक्सी ड्रेस पहनती है। वह हमारी हीरोइन है। उसे लेने के लिए काली गाड़ी उसके घर के बाहर इंतजार करती है। उस गाड़ी के पास एक बूढ़ा व्यक्ति एक अच्छा सूट पहने हुआ था। वो उसे एक गंदी नजर से देखता है। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी निकल जाती है। फिर एक वाक्या एक महीने पहले के रूप में प्रकट होता है, जो हमें पिछली घटनाओं में ले जाता है कि वह बूढ़े आदमी के साथ क्यों गई थी। उन पिछली घटनाओं में वो महिला एक बार में काम करती थी। ड्रिंक्स देते समय एक आदमी गलती से उस पर ड्रिंक्स गिरा देता है। वह अपने कपड़े बदलने के लिए रेस्ट रूम में जाती है। उसकी दोस्त जो पास थी और मेकअप कर रही थी पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। वह अपने कपड़े को साफ करते हुए उसे समझाती है। हमारी हीरोइन उससे पूछती है कि वह कहाँ जा रही थी। उसकी सहेली जवाब देती है कि वह एक पार्टी में जा रही है और वह उसके साथ चल सकती है। अब दोनों पार्टी के लिए निकल पड़े। उनके रास्ते में एक आदमी उस महिला को पकड़ लेता है। वह उसका बॉयफ्रेंड है। वे दोनों बातचीत करते हैं और उसके बाद एक दूसरे को किस करते हैं। महिला की सहेली एक अन्य व्यक्ति के साथ गाड़ी में बैठती है। वो महिला को अलविदा कहती है। हीरोइन के बारे में बोले तो वो एक गरीब परिवार में रहती है। एक बार में पार्ट टाइम जॉब करती है और अपनी पढ़ाई भी कॉलेज में करती है। उसे पैसे की जरूरत है। एक दिन उसके कॉलेज की कक्षा खत्म होने के बाद प्रोफेसर उसके पास आती है और उसे फीस भरने के लिए कहती है। कॉलेज से घर आते वक्त रास्ते में वह सोचती है कि फीस का इंतजाम कैसे किया जाए। घर पहुंचने पर उसकी सहेली छोटे कपड़े पहने हुए थी और कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। महिला उससे पूछती है कि वह कहां जा रही थी। उसकी सहेली जवाब देती है कि वह पैसे कमाने के लिए एक आदमी के साथ कुछ समय बिताने जा रही थी। उस महिला को वह कपड़े पसंद आए जो उसकी सहेली ने पहने थे। हीरोइन के अतीत को दिखाया जा रहा है, जिसमें उसके माता पिता एक अचानक मिलन के लिए आते हैं और उसे एक पुरानी गाड़ी उपहार में देते हैं। उसका प्रेमी भी उसकी अच्छी देखभाल करता है। अच्छी जिंदगी होने के बावजूद वह कुछ तरीकों से पैसा कमाना चाहती है, इसलिए वह भी उसके साथ आ गई। वह एक बार में गए जो एक होटल में था। यह अमीर और बुजुर्ग लोगों से भरा हुआ था, जिनकी उम्र 60 से अधिक थी और सुंदर युवा महिलाएं भी थी। हर एक बूढ़े आदमी के साथ एक युवा महिला थी और वे उससे आनंद ले रहे थे। यह देखकर हमारी हीरोइन को अंदर आते समय घबराहट थी। उसकी सहेली ने एक बूढ़े आदमी पर अपना हाथ रखती है, उसे चूमती है। वह अपनी सहेली से पूछती है कि वह क्या कर रही थी। उसने जवाब दिया कि यह उसका काम है और उसे करने के लिए उसे जाना होगा। वो वहाँ से चली जाती है। बाद में एक दूसरा बूढ़ा उसके पास आता है और बताता है कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है और यह भी पूछता है कि क्या वह उसके साथ आना चाहेगी। वो मना करके यह कहती है कि वह अपनी सहेली के साथ यहाँ आई थी, फिर अपने घर के लिए निकल गयी। अगले दिन वो इस चीज को आजमाने की सोचती है। बार में उससे मिलने वाला व्यक्ति भी उस महिला के बारे में सोचता है, इसलिए वो व्यक्ति उसकी सहेली से संपर्क करता है और कहता है कि वह उसे चाहता है। पैसे की चिंता मत करो और बस व्यवस्था करो। तो उसकी सहेली उससे मिलने जाती है। वो उसको बताती है कि यदि वह प्रस्ताव लेती है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, एक खुशहाल जीवन जी सकती है, लेकिन उस बूढ़े आदमी के साथ एक रात बितानी होगी। लेकिन वो महिला इसे मना कर देती है। उसकी सहेली उस व्यक्ति के साथ कुछ छुट्टियां बिताने की जिद करती है। वह रात को उसके घर चली जाती है। वो व्यक्ति उस महिला को अपने विमान में ले जाता है, पूरा शहर घुमाता है। वह उसे एक होटल में ले जाता है जहाँ वह उसे एक अंगूठी खरीदता है और उपहार में देता है। वह उसे वापस ले जाता है।
अगले दिन अपने कॉलेज की कक्षा के समय वो उस समय के बारे में सोचती है जिसमें उसने उसके साथ बिताया था। वह अपनी सहेली को इसके बारे में कुछ बताती है। उसकी सहेली उससे कहती है कि वह उसके साथ एक रात बिताकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकती है। इसके बाद अतीत की कहानी बंद हो जाती है। महिला काली कार में है अभी। बूढ़ा उस महिला का अपने घर में उसका स्वागत करता है और घर दिखाता है। घर बहुत बड़ा और आकर्षक था। वो इससे चकित थी। फिर वे दोनों उस काम के लिए आधी रात को उसके कमरे में जाते हैं जिसके लिए उसने उसे बुलाया था। इसके बाद वो उसको बताता है कि वह बहुत सुंदर दिख रही है और वो उसे हर दिन चाहता है। वो उसे $500 का चेक देता है। वो महिला अपने घर के लिए उसी काली गाड़ी में निकलती है। कार चालक उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। इस सब के बाद वो महिला अगले दिन अपने बॉयफ्रेंड से मिली, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उस दिन से बूढ़ा उसे घर लाने के लिए हर रात को फोन करता रहा। वे दोनों उन रातों को एक साथ सोते थे। उस महिला को इस तरह से या तो पैसे या महंगे उपहार मिले। एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उच्च मनोदशा के साथ उसके घर आता है। वह उसके साथ बिस्तर में लेट जाता है, लेकिन वह कहती है कि वह थकी हुई थी। उसे इस बारे में कुछ शक हुआ। एक रात वह बार में अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा था। उसने उसकी सहेली से उसके बारे में पूछा। वो सच्चाई नहीं बताती है। वो फिर उस महिला के घर जाकर इंतजार करता है। वह महिला बूढ़े आदमी के साथ थी, रात का आनंद ले रही थी और फिर अपने घर लौट आई। वो महिला अपने प्रेमी को देखकर चौंक गई और पूछती है कि वह वहाँ क्या कर रहा था, लेकिन वह पूछता है कि वह इस समय कहाँ थी। उसने बताया कि वह अपनी सहेली के साथ थी। उस आदमी ने बोला कि तुम झूठ बोल रही हो, वह नहीं जानती कि क्या बताना है। वह फिर अपने घर के लिए निकलता है। अगली रात वह फिर से उस आदमी के घर चली गई और उसके साथ सो गई। अब काम खत्म होने के बाद उन्होंने उसे $100 का चेक दिया। उसने उससे कम पैसे के बारे में पूछा। उसने कहा कि उसे वो मिला जिसकी वह हकदार थी। घर जाते समय वह लापरवाही से गाड़ी चला रही थी जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। उसे इससे कोई चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ी का सामने का हिस्सा टूट जाता है। वह इसे ठीक करने के लिए अपने पिता के पास गाड़ी ले जाती है। अगले दिन उसके पिता का जन्मदिन था। वह उसके साथ जश्न मना रही थी। उस समय बूढ़े व्यक्ति ने उसे अपने घर आने के लिए कहा, लेकिन वह कहती है कि वह व्यस्त है और आज नहीं आ सकती। जब उसके पिता कार की मरम्मत और सफाई कर रहे थे, तब उनको कार में कुछ चेक मिले। उसने उसमें लिखा पता देखा। जब वह वहाँ गया तो उसने अपनी बेटी को बूढ़े आदमी के साथ देखा। उसने गुस्से में आकर उसे मारा। उस महिला को महसूस हुआ कि उसने जो भी किया वो गलत था। वह उस बूढ़े से यह बताने के लिए गई थी कि वह उसके पास दोबारा नहीं आएगी, लेकिन उसने वहाँ अपनी सहेली को देखा। बूढ़े व्यक्ति ने दोनों महिलाओं को उसके साथ एक रात बिताने के लिए कहा। उसने बहुत मना किया, लेकिन उस बूढ़े ने नहीं माना, इसलिए उसने इसे स्वीकार किया। अब वे तीनों उसके घर गए। वे उसके कमरे में गए। महिला ने कहा कि वह टॉयलेट जाना चाहती है और वो वहाँ गई। उस दौरान वह शख्स अपने दोस्त के साथ मस्ती कर रहा था, तब उसने उसकी गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर दी। यह देखते ही महिला ने उससे बहस की और वहाँ से चली गई। उस आदमी ने अपने ड्राइवर को फोन किया और कहा कि वो उस महिला को मार डाले। जैसा कि चालक को उसके साथ कुछ इच्छाएं थी, वह उसके साथ एक रात बिताना चाहता था और फिर उसे मार डालने का सोचा। महिला अपनी कार में थी अपने घर जाने के लिए। बूढ़ा और उसका ड्राइवर अपनी कार से पीछा कर रहे थे। उन्होंने उसकी कार को रोका और उसे बेहोश करने का इंजेक्शन देने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता उसके फोन को ट्रैक कर रहे थे और उस स्थान पर पहुंच गए। उसके साथ ही पुलिस भी वहां पहुंच गई। बूढ़ा आदमी और ड्राइवर अपने विमान की मदद से भाग जाने के लिए उस जगह से चले गए थे। पुलिस विमान के पास पहुंची और उन्हें पकड़ लिया। फिर महिला और उसके पिता अपने घर चले गए। उस महिला को एहसास हुआ कि उसने गलत किया है। कुछ दिनों के बाद वह अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हुई और अपने परिवार के साथ रहने लगी। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है। ट्रेलर और पूरी फिल्म का लिंक नीचे है। अगली बार एक सुपर वीडियो के साथ मिलेंगे।